सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं, अब चुनावी सरगर्मी चढ़ चुकी है। आम जनता से लेकर नेताओं तक हर तरह चुनाव का माहौल बन गया है। तो आज मैं लेकर आ गया हूं मुजफ्फरनगर की 2014 की रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर 2014 में किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला था और पहला नंबर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी था। आइए शुरू करते हैं। बगैर समय गंवाए हुए मुजफ्फरनगर की सबसे ज्यादा वोट पाने वाला प्रत्याशी कौन है? तो मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला डॉक्टर संजीव कुमार बल्यान है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा था और इनको वोट मिला है 6,53,391। और इनके बाद आते हैं कादिर राणा। कादिर राणा जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला है 2,52,251। और इनके बाद आते हैं वीरेंद्र सिंह, जो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला 1,60,810। इनके बाद आते हैं पंकज अग्रवाल, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला है 12,937। इनके बाद आते हैं राजेश देवी अलीज, जो ऑल इंडिया ट्रेंडिंग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इनको वोट मिला है 4,129। उनके बाद आते हैं राकेश, जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे और इनको वोट मिला था 3,482। और इनके बाद फिर आते हैं निर्दलीय प्रत्याशी फूल सिंह पाल, जो 3,431 वोट पाकर संतोष करना पड़ा इनके। इनके बाद फिर आते हैं अनिल कुमार, जो बहुजन मुक्त पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला था 2,238 वोट। और इनके बाद आते हैं मोहम्मद यामी, जो आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला है 1,931। इनके बाद आते हैं सरदार गुफान, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे और इनको वोट मिला है 1,864। इनके बाद आते हैं गुरफान अहमद, जो ये भी निर्दलीय प्रत्याशी थे और इनको वोट मिला है 1,682। इनके बाद आते हैं जगवीर सिंह, जो निर्दलीय प्रत्याशी और इनको वोट मिला है 845। फिर आते हैं नसीम अहमद अंसारी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनको वोट मिला है 750। फिर इनके बाद आते हैं अंकुर, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनको वोट मिला है 723। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब मुजफ्फरनगर में कितना प्रत्याशी को कितनी वोट मिली है। इनके बाद है मोयामी, जो ऑल इंडिया रेडियो समाज समानता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और इनको वोट मिला है 523। ललित चौहान, जो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला है 499। फिर इनके बाद आ जाते हैं शुभम, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनको वोट मिला है 487। मंगल राम काश्यप, जो मजदूर किसान यूनियन पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला है 362। और इसके बाद आते हैं छात्र सिंह काश्यप, जो वंचित जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला है 350 वोट। और आपको बता दें, आपके मुजफ्फरनगर में किसी भी पार्टी को वोट न देने वाले, जिसने आपने सुना होगा नोटा का बटन, नोटा के बटन दबाने वाले पूरे मुजफ्फरनगर में, पूरे मुजफ्फरनगर जिले में कुल मिलाकर 4,739 लोगों ने किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया है। उन्होंने अपनी मत अधिकार का प्रयोग तो किया है लेकिन किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया है। इस तरह से आपको पता हो गया होगा कि 2014 में आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सभी प्रत्याशी को कितना वोट मिला था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके अगले सांसद कौन होंगे, आपको किसे सांसद चुननी चाहिए, आपकी मर्जी। लेकिन लोकसभा इस चुनाव में मतदान करना आपको जरूरी है, क्योंकि यह देश का भाग्य तय होता है इसमें। फिर मिलेंगे किसी तरह की खबर और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।